हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है एक जॉब को लेकर। आज का ये वीडियो है और ये जॉब आया है अमेजोन की तरफ से और ये जॉब है डेटा एंट्री का जॉब। ये जॉब आप घर में बैठकर कर सकते हो। ये जॉब वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको इस लॉकडाउन के टाइम में बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस लॉकडाउन के टाइम में आप भी काम ढूंढ रहे हो तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएट। अगर आप 10 या 12 में हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये जॉब जो है वो ग्रेजुएट के लिए है। जो लोग ग्रेजुएट है और जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वो ही इस जॉब के लिए अप्लाई करें। जो जॉब है वो डेटा एंट्री के जॉब जो होते हैं ना, वो बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए कितना सैलरी है आप जानना चाहते होंगे। इसके लिए जो सैलरी है वो अभी तक अमेजोन ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना सैलरी हो सकता है। अमेजोन जो है एक बहुत अच्छा एंड बड़ा कंपनी है, तो और आपको ग्रेजुएट भी होना है, तो इसके लिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 25,000 के आसपास जो है सैलरी मिलेगी। इस जॉब आप कहाँ से अप्लाई करोगे, तो ये जॉब अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। उस लिंक में आप जाइए और वहाँ से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो इसके लिए आपको एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि आपको लैपटॉप में काम करना होगा। तो आप एक काम करना चाहती हो तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आप एक काम फ़ोन पर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ फंक्शन होता है जो फ़ोन पर नहीं रहता, वो लैपटॉप में ही रहता है, तो इसके लिए आपको लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होगा? इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो है वीडियो कॉलिंग से आपका इंटरव्यू होगा, और आपको थोड़ा बहुत डेटा एंट्री के बारे में जानना होगा। तो आपको अगर डेटा एंट्री के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप थोड़ा गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा नॉलेज लेकर ही आप इंटरव्यू में बैठिएगा, क्योंकि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना चाहिए। और एक चीज़ जो सबको सबके मन में जो रहता है वो है लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज कौन सा होगा। अगर डेटा एंट्री के जॉब के लिए ऐसा कोई लैंग्वेज लगता नहीं है, ये अगर आपको हिंदी आता है और इंग्लिश आपको बेसिक आता है तो आप ये काम कर सकते हो। और इस काम के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फ्री है, और आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है मैंने, उस लिंक में जाकर आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए था, और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और